वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्लासिफाई कंक्रीट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और ये जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स है 456/2000 क्लॉज नंबर 611, उसके हिसाब से क्या गाइडलाइंस हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड हाउ द कंक्रीट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रेड्स। हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो हम देखते हैं स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। और इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट की क्यूब्स हम कास्ट करते हैं 15 सेंटीमीटर साइज की, और उन क्यूब्स को हम एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट के अंदर और स्टैंडर्ड टाइम जो कि हम 28 दिन का रखते हैं, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट और स्टैंडर्ड टाइम के लिए हम उनको क्योर करते हैं। और क्योरिंग करने के बाद हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में उनको चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है एज पर BIS, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, इट इज दैट स्ट्रेंथ एट विच ए मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ द टोटल सैंपल्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। इसका मतलब क्या है कि जितने सैंपल आपने टेस्ट किए उन सैंपल्स का मैक्सिमम 5% सैंपल एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से अगर कम स्ट्रेंथ शो करता है, दैट मींस एक पर्टिकुलर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे फेल हो जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 95% सैंपल उसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करते हैं, तो देन दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट मिक्स। क्योंकि वो जो वैल्यू आएगी स्ट्रेंथ की वो उसके स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को सिग्निफाई करेंगी, डिफाइन करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। सपोज कर लीजिए आपने M20 मिक्स तैयार किया, तो M20 मिक्स का मतलब है आपने 1:2:4 के रेशो में कंक्रीट की क्यूब्स आपने कास्ट कर लेनी है, और उन क्यूब्स को कास्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे 28 दिन तक आपने क्योर करना है। और क्योरिंग करने के बाद जब आप कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में उनकी टेस्टिंग करेंगे तो उस केस में अगर 95% क्यूब्स आपकी पर्टिकुलर जो वैल्यू है M20 के लिए, और वो वैल्यू क्या है 20 न्यूटन पर mm², अगर 95% सैंपल्स की स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा आ जाती है, या आप ये कहिए कि 5% सैंपल, 20 का 5% कितना हुआ हमारा, वो हुआ 1, और 95% कितना हुआ 19 सैंपल। तो 19 सैंपल आपके टेस्टिंग के दौरान पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर mm² उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करते हैं, और केवल एक सैंपल 20 की स्ट्रेंथ पे फेल हो जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को उस मिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होती है इस प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ के आधार पर ही हम कंक्रीट को डेजिग्नेट करते हैं डिफरेंट मिक्सेस के अंदर। और कंक्रीट को डेजिग्नेट करने के लिए हम एक तो अल्फाबेट लिखेंगे, जैसे कि हम 1:2:4 का मिक्स है उसको डेजिग्नेट करने के लिए क्या लिखते हैं हम उसको M20। तो M एक लेटर होगा, दैट इज फॉर मिक्स, M मींस कंक्रीट मिक्स, एंड 20 मींस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब्स व्हेन कास्टेड बाय विद दिस कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, और वो होगी 20 न्यूटन पर mm². तो इस प्रकार से मिक्स को हम डेजिग्नेट करेंगे। तो
करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर हमने कंक्रीट को डिफरेंट टाइप्स में आपने क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वन इज ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर कौन कौन से हम डेजिग्नेट करेंगे कंक्रीट को, M10, M15 और M20। यानी कि अगर हमारे कंक्रीट क्यूब्स की स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आती है 28 दिन के बाद, तो ये जो जितने भी मिक्स हैं दीज आर कॉल्ड नॉर्मल कंक्रीट मिक्सेस या नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसी तरह जो सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाता है वो है हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट। तो इसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा हो जाती है और इसके अंदर जो मिक्स हमारे जो हम डेजिग्नेट करते हैं वो है हमारे M25, M30, M35, M40, M45 और M50 और M55। तो ये जो वैल्यूज़ हैं अपनी M25 से M55 तक, जिन कंक्रीट मिक्सेस की वैल्यू आएंगी तो दे आर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड्स या स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स। और थर्ड जो होता है हमारा वो होता है हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कौन से हमारे ग्रेड्स आ जाते हैं, M60 से लेकर और M80 तक। M60 से M80 तक के जो ग्रेड्स हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो इस प्रकार से जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है इसको आधार बनाकर वी आर एबल टू क्लासिफाई कंक्रीट इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। तो एक किस्म से जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये एक डिसाइडिंग पैरामीटर है किसी भी मिक्स की स्ट्रेंथ के लिए, किसी भी मिक्स को एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन देने के लिए। और वो तभी मिक्स वो स्ट्रेंथ तभी अप्रूव होगी जब 95% सैंपल्स पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करें, और मैक्सिमम 5% सैंपल ही उस पर्टिकुलर वैल्यू से या उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फेल हो जाएं, देन एंड ओनली देन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ इज नेम्ड एज करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। थैंक्स फॉर द थैंक्स ऑल एंड वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।